गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुप्रभात, प्रणाम, नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, मैं अब आपको गांव की सैलून की दुकान पे ले जा रहा हूँ, आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों, ये देखिए, मैं अब निकल चुका हूँ बाइक से गांव की सैलून की दुकान को आपको दिखाने। तो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर नाकोट नामक स्थान पर वहाँ पर सैलून की दुकान है। छोटी छोटी दुकानें होती हैं गाँव में, तो मार्केट भी छोटी होती है तो दुकानें भी छोटी होती हैं। तो आप वीडियो बने रहे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। उनकी पिथौरागढ़ में पहले दुकान थी, लॉकडाउन में परिस्थितियाँ बिगड़ने के कारण उन्होंने घर वापसी की और यहाँ पर भी एक ठीक ठाक अपना काम और अपना मार्केट उन्होंने बना ली है। तो ये देखिए, ये स्थानीय नाकोट की बाज़ार है, छोटी सी, और यहाँ पर बैंक होने के कारण दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी आते हैं। ये देखिए, फाइनली दोस्तों, अब मैं सैलून की दुकान की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए, इस स्पॉट पे सैलून की दुकान है और इससे आगे बैंक बना हुआ है। तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, अब मैं उस स्थान पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर सैलून की दुकान है। ये देखिए, काफ़ी लंबा चौड़ा कमरा है ये देखिए। और ये संजय भैया हैं, ये खुद अच्छे स्टाइलिश हेयर काटते हैं और ख़ुद मालिक हैं दुकान के। कोरोना काल में परिस्थितियाँ बिगड़ने के कारण इन्होंने गाँव की ओर रुख किया और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है। ये इनके मैं आइटम दिखा रहा हूँ सौंदर्य प्रसाधन के, फेस मसाज, फेस फेयरनेस क्रीम, फेशियल किट, हर्बल फेशियल, गोल्ड फेशियल, फ्रूट फेशियल। और इधर आप देखिए, कैंची, कंघा, बियर्ड ट्रिमर मशीन, स्टाइलिश चेयर और हेयर स्टैंडिंग भी रखी हुई है। दोस्तों, यहाँ युवा, बुजुर्ग, बच्चे जो भी आते हैं उनकी हेयर स्टाइल के अनुसार ये उनको हेयर कट करके संतुष्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आजकल के जो युवा हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी जो डिमांड रहती है उस आधार पे इन्होंने स्किन फेड हेयर कट इनकी करवा दी है। देखिए दोस्तों, ये थोड़ा वयस्क व्यक्ति हैं और इनकी डिमांड के अनुसार इनका हेयर कट किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब काम करने का तरीका भी काफ़ी चेंज हो चुका है। पहले कैंची के द्वारा बालों को काटा जाता था, अब आधुनिक मशीन आ गई हैं। ये ट्रिमर है, बियर्ड ट्रिमर है, हेयर ट्रिमर है और तमाम तरह के यहाँ पर इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे। फाइनली दोस्तों, इस बच्चे की हेयर कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वाइट टोन फेस पाउडर डाला जा चुका है और चम्पी भी करवाई जा रही है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा हेयर कट किया गया है बच्चे का। अमूमन दोस्तों, गांव में मेंस पार्लर ज़्यादा होते हैं और संजय जी की दुकान में हेयर कटिंग के अलावा हजामत भी होती है, फेशियल, थ्रेडिंग, फेस मसाज, बालों में ग्रूमिंग, सेटिंग, और आप विभिन्न प्रकार के कलर भी लगा सकते हैं। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम पिथौरागढ़ में भी किया है और वही स्टाइल इन्होंने गांव में अपना रखी है, तो इनकी काफ़ी लोकप्रियता अभी बढ़ चुकी है। फाइनली दोस्तों, ये देखिए, इनके पूरे बाल कट चुके हैं और इनके सिर में फव्वारा मारा जा रहा है पानी का। ये देखिए, शानदार, जब बाल काटे जाते हैं उसके बाद सर जब हल्का हो जाता है तो बड़ा आनंदित करता है ये पल। इनके सैलून में 2 मिरर लगे हुए हैं, एक फ्रंट मिरर और एक बैक मिरर। और कस्टमर के बैठने के लिए देखिए, बेंच की व्यवस्था भी की गई है, कुर्सियां भी हैं। और ये देखिए, स्टाइलिश हेड वॉश चेयर भी लगी हुई है। इस मेंस पार्लर में देखिए दोस्तों, काफ़ी सामान इन्होंने रखा हुआ है। पिथौरागढ़ में इनकी सबसे लोकप्रिय दुकान लिंक रोड में हुआ करती थी, कोरोना के कारण थोड़ा डैमेज हो गई तो काफ़ी लोगों का उस समय नुकसान हुआ था। तो लोगों ने अपने अपने ठिकाने चेंज कर दिए तो ये गांव की तरफ आए और गांव में इन्होंने शहर के हिसाब से काफ़ी सामान रखा हुआ है। लोगों को यहाँ पर काफ़ी विकल्प मिल जाते हैं जो करवाना चाहते हैं, तो इनके पास काफ़ी सामान अभी पड़ा हुआ है। कोरोना काल की तमाम दुश्वारियों को झेलते हुए इन्होंने
अपने को मानसिक रूप से मजबूत करते हुए अपने कार्य को अन्यत्र गांव में लाके इन्होंने अपने को इस्टेब्लिश कर लिया है और काफ़ी इस क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय हेयर स्टाइल कटर के रूप में ये जाने जाते हैं और पिथौरागढ़ में काफ़ी लोकप्रिय थे। इनके स्थानीय बाज़ार नाकोट में आने से लोगों को पिथौरागढ़ नहीं जाना पड़ता है हेयर कटिंग के लिए और उनके 100-200 रुपये बच जाते हैं टिकट के। अब मैं इनसे इनका थोड़ा पक्ष जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वीडियो में आगे बने रहें। मैं इनसे इनका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, गांव और शहर में कितना अंतर होता है, इनकी मुंहज़बानी आप सुनिए और इनका अनुभव भी आप प्राप्त कीजिए। संजय जी की हेयर कटिंग की दुकान है यहाँ पर नाकोट में, ये पहले पिथौरागढ़ में इनकी दुकान थी और लॉकडाउन के कारण वो दुकान बंद हो गई, फिर इन्होंने गांव पे दुकान खोली और काफ़ी अच्छा यहाँ इनको हेयर कटिंग का अनुभव है। ये देखिए संजय जी, आप कितने सालों से कर रहे हैं काम? हाय दोस्तों, मैं लगभग 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, 8 साल लगभग मुझे हो गए। अच्छा, 8 साल हो गए आपको? हाँ, इस काम में मेरा एक्सपीरियंस 8 साल का है। और पिथौरागढ़ में कोरोना काल में स्थितियाँ ख़राब होने के चक्कर में मुझे गांव आना पड़ा और मैं गांव में काम कर रहा हूँ। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट, लेकिन एक एवरेज मिल जाता है यहाँ पर। कैसा रहा आपका अनुभव इधर गाँव में शहर की अपेक्षा? यहाँ पे काम जो है छोटे लेवल का काम है, लोग यहाँ पे कटिंग और सेविंग कराते हैं, उसके अलावा ज़्यादा काम मिलता नहीं यहाँ पे। शहर में क्या था कि लोग बाल स्ट्रेट कराते थे और फेशियल कराते थे, मसाज कराते थे, कलर कराते थे अलग अलग प्रकार के और रिबॉन्डिंग होती थी। यहाँ पे ये काम नहीं है तो इसलिए बड़े लेवल की कमाई नहीं हो पाती है, क्योंकि अगर आप एक स्ट्रेट करते हैं तो कम से कम 1000 रुपये का स्ट्रेट होता है। अच्छा, 1000 रुपये के स्ट्रेट में हमें मतलब कुछ भी नहीं तो 400-500 रुपये का बेनिफिट हो जाता है। और उस काम में क्या अच्छी कमाई है, फेशियल में कमाई है, जो बड़े लेवल के काम है वो यहाँ नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैंने सुना है गांव के जितने भी लड़के हैं आपकी काफ़ी तारीफ करते हैं और उनके आपका हेयर काटने का जो स्टाइल है वो काफ़ी फेमस हो चुका है अभी इस क्षेत्र में। हाँ, तो मतलब कुछ लड़के जो हैं उनको मैं अगर अच्छा हेयर कट देता हूँ तो कहते हैं कि दादा हम पहले और जगह जाते थे हम इतने संतुष्ट नहीं हो पाते थे और आपके यहाँ आने के बाद हमें थोड़ा ठीक लगता है और हम यहीं आना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा आपका ये कार्य है और आप आगे तरक्की करते रहें। देखिए दोस्तों, डिजिटल मोड पे भी आप पेमेंट कर सकते हैं इनकी दुकान पे। आप ज़रूर इनके सैलून पे आके इनके अनुभव का लाभ उठाते हुए एक बार इनको सेवा का मौका दें और इनकी मदद करें। फाइनली दोस्तों, मैंने भी इनके सैलून से हेयर कट करवा लिए हैं, बाल छोटे करवा लिए हैं, अब मैं रिलैक्स हो गया हूँ, घर को जा रहा हूँ। फाइनली दोस्तों, आज मैंने एक ऐसे इंसान को दिखाने की कोशिश की जिन्होंने कोरोना काल में अपना कारोबार प्रभावित होने के बाद भी संघर्ष की राह नहीं छोड़ी और शानदार अभी कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।